ये दर्शकों, अब हम आपको दिखा देते हैं किस तरह से ऑटो चलाते हैं। जैसा कि दोस्तों, मैं इस समय वाराणसी में हूं और वाराणसी की इस महिला से मैं बात करना चाहूंगा। लोग कह तो रहे हैं कि महंगाई है, लेकिन बहुत से घरों में मैंने गया है और देखा है लोग काम नहीं करना चाहते हैं। और महंगाई की तरह अगर बात की जाए तो मैं मानता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो महंगाई है। चलिए सबसे पहले मैडम का परिचय कर लेते हैं और कुछ ज़्यादा जानकारी इन्हीं से ही ले लेते हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। आप एक बात बताइए, बड़ा अच्छा लगा। हम चाहेंगे कि स्वयं पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। थोड़ा आवाज़ तेज बोले, आवाज़ तेज। मेरा नाम है गुड्डी राजभर और मैं अक्का से हूँ और मैं ये टोटो चलाती हूँ। आप अक्का चौराहा से? अक्का गांव से। ये कहाँ पड़ता है मैडम? अंदर। अच्छा, ये अक्का चौराहा है पहाड़िया के बगल में। अक्का चौराहा के अंदर थोड़ा। मैडम, कई दिनों से तमन्ना थी आपसे मिलने की और कई बार ऑटो स्पीड चला के निकल जाती है। अब क्या करें, सवारी जिसको देखना पड़ता है ना जी, थोड़ा सा मतलब वो तो करना ही पड़ेगा। मैडम, एक सवाल आपसे ये होगा कि लोग महिलाओं को घरों से नहीं निकलने दे रहे हैं और आप महिला हैं और आपके हित रीत रिश्तेदार, आपके पति, बगल में शायद लग रहा है आपका बच्चा है जी, तो ये बताइए, जब घर से बाहर निकली होंगी, ऑटो चला रही होंगी, तो कुछ कमेंट आए होंगे या नहीं आए होंगे? देखिए, हम ये सब पे ध्यान नहीं देते क्योंकि हम अपने आप पे ध्यान देते हैं। क्योंकि कोई भी हो, चाहे सरकार हो या कोई भी हो, हमको खाना नहीं पहुँचाएगा। ठीक है, हम मेहनत करेंगे तभी हमको मिलेगा। अगर तो अगर बिना मेहनत का मिल जाए तो बताइए, हम मेहनत करने से पीछे हट जाएंगे। अच्छी बताइए, कोई कमेंट तो जरूर किया होगा, आपका हौसला जरूर तोड़ा होगा शुरू में। देखिए, देखने वाले तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन कौन किस निकाल से देखता है, मैं इस पर ध्यान नहीं देती हूँ। मैं सिर्फ अपने काम पर ध्यान देती हूँ और मैं सही हूँ, बस इसका मुझे अपने आप पे सबूत है और मेरे पति को ये विश्वास है। अच्छा बताइए, वाराणसी में है आप और महिलाओं की क्या स्थिति है? डर, डराने की जो स्थिति है वो खत्म है या फिर डर है अभी? देखिए, कुछ तक हद तक तो है, लेकिन कुछ हद तक नहीं भी। मन चलो, क्योंकि गरीबी इतना, मतलब देखिए, इंसान जब गरीबी से गुजरता है तो वही जानता है, पैसे वाले लोग क्या जानेंगे। जो गरीबी से गुजरता है वही इंसान जानेगा कि हाँ पैसा क्या होता है। इंसान तो संघर्ष करेगा ही। महिलाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? लोग घरों से तो नहीं निकलने रहे, जैसे कि आपको भी स्टार्टिंग में कठिनाइयाँ आई होंगी, परेशानियाँ आई होंगी, अहित रिश्तेदार लोग कहे होंगे कि आप काम मत करो, कहे होंगे ऐसा? नहीं, देखिए, हम तो मतलब अभी तो हमारे घर वाले को किसी को भी नहीं पता है, मतलब हमारे घर वाले को बस ससुराल वाले को पता है, हम अभी किसी भी रिश्तेदार को नहीं पता है और हमारे सब लोग भी सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये बताइए, ऑटो में कभी आपके गाँव के लोग मिले हैं कि नहीं मिले? हम अपने गाँव से निकलते थे, सभी लोग देखते हैं, लेकिन मुझे उससे कोई डर नहीं है क्योंकि हमको खाना नहीं देंगे। आपकी मैडम बात सही है। कुछ महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए जो घरों में बैठी हुई हैं, अपने आप को कमजोर महसूस कर रही हैं? या फिर हम तो बस यही कहेंगे कि कोई भी औरत अगर चाह जाए तो कोई औरत कमजोर नहीं है। जेंट्स और महिला दोनों में कुछ अंतर है? नहीं, मानो तो कोई अंतर नहीं और मानो तो बहुत ही अंतर है। लोग कहते हैं कि महिलाओं को, जैसे आप अकेले जाती होंगी कहीं गाड़ी लेकर के, तो कठिनाइयां तो जरूर आती होंगी, उनको कैसे झेलती हैं? हम कभी भी अपने अंदर गलत फील कभी नहीं आते हैं और हम अपना हिम्मत बहुत मजबूत रखते हैं। ठीक है, कैसे भी इंसान मिले उससे निपटने का, उससे बात करने का, हर चीज़ का वो हमको मालूम है। मंचले से कभी भेंट हुआ है कि नहीं? मंचलों से बहुत लोग हैं। क्या कहते हैं आप, कुछ कहते हैं? नहीं, कुछ नहीं कहते। उनको कैसे झेलती हैं, क्या समझाती हैं? मतलब किसको मारूं तुम लोग को? जैसे मंचले होते होंगे कुछ वैसे इंसान होते होंगे जो आपको परेशान भी करने की कोशिश करते होंगे। हम किसी पे ध्यान नहीं देते हैं, बस अपने काम पे ध्यान देते हैं। बस अपने काम पे ध्यान देते हैं क्योंकि देखिए, हम औरत है, अगर आज जरा सी गलती हम करेंगे तो हर इंसान हमको देखेगा तो गलत अंगुली उठाएगा। ठीक है, गलत उठाएगा तो हमारा हर जगह पे बदनामी होगा। हमको देखिए, रोड पे रहना है, लेकिन हमको रोड पे रहना है इज्जत से रहना है और हम ये कर रहे हैं तो हमको इससे कोई शर्मिंदा नहीं है जी। बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया। अच्छा, ये बताइए, ये जो सरकार है, वर्तमान सरकार, इससे आप खुश हैं? देखिए, खुश भी है और नाराज भी नहीं हो सकते हम, क्योंकि देखिए जो भी कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं, लेकिन ये है कि
कुछ हद तक मतलब कि नहीं पहुंच पा रहा है। औरत के पास जो होना चाहिए, हम लोग का अभी तक तो राशन कार्ड तक नहीं है, जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है, और जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको मिल रहा है। अच्छे बताइए, आप कहाँ कहाँ तक गाड़ी लेके चली जाती हैं? हम हर जगह जाते हैं, कहीं भी चली जाए। हाँ, देखिए आंटी जी खस रही हैं, महिला होकर के गाड़ी चला रही हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा, कैसा लग रहा है चाची? हम जानते हैं ना, अच्छी है, अच्छी है। अच्छा लोग, भैया आप पुरुष हैं, महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, लेकिन ये जो नज़ारा देखने को मिल रहा है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे, क्या लोगों को अपना काम तो करना ही चाहिए, काम तो करना चाहिए, उसमें बुराई कुछ नहीं है। चलिए जी जी, अब हम चाहेंगे कि गाड़ी अब थोड़ा चला के आप दिखा दीजिए, कुछ दूर तक हम दिखा देते हैं दर्शकों को। चलिए, जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं इनकी वीडियो को शेयर कर दें और इन्हें भी वायरल कर दें। अच्छा, आप सोशल मीडिया पे अभी कभी एक्टिव हैं या नहीं है? कोई चैनल वगैरह चला रहे हैं आपका? नहीं देखिए, मैं वो चलाती हूँ, इंस्टाग्राम चलाती हूँ। अरे वाह, इन इंस्टाग्राम जब तक महिलाएं नहीं चलाएंगी तब तक खाना लगता है नहीं पचेगा ना। इंस्टाग्राम में चलाती हूँ, बुद्धि राजवर। इंस्टाग्राम की आईडी क्या है आपकी? बुद्धि राजवर। हाँ चलिए दर्शकों, इंस्टा इनको फॉलो कर दीजिए, इनके इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए और इनको फॉलो करिए और ऐसे लोगों को सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद जी। मैडम और कुछ कहना चाहेंगी? बस यही कहना कि आप बहुत मेहनत करते हैं, हमारे वीडियो को सपोर्ट करिए और लाइक करिए, हर महिला को हिम्मत मिले हमारे देश में। आप भी चाहती हैं वायरल हो जाए? देखिए भैया, इनको आप लोग ही हीरो बना सकते हैं और आप लोग ही जीरो बना सकते हैं। इनका छोटा बच्चा भी है क्या बेटा? आप भी साथ रहते हो, अच्छा लगता है? चलिए, बड़ा मेहनत कर रहे हैं आप लोग और मुझे आशा और उम्मीद है कि आप लोग एक दिन आने वाले समय में तरक्की करेंगे। और इधर इनको देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है और खुशी की बात यह है कि महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।